Hello, students, and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh, and today I am providing the previous paper for IBPS SO Marketing 2024 exam. Jo 28th of January 2024 ko exam hoa tha, Today I am providing the full fledged paper with the solutions, right? So, students, क्या सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज़ नो कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं जैसे कि बी सी जी मैट्रिक्स बार बार रिपीट होता है कंपेटेटिव स्ट्रैटजीज़ रिपीट होती हैं लीडरशिप की थ्योरीज रिपीट होती हैं मोटिवेशन की थ्योरीज़ मैसलो थ्योरीज ये कुछ एक थ्योरीज हैं जो बार बार रिपीट होती हैं लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते दो तीन क्वेश्चन ही मैक्सिमम से मैक्सिमम रिपीट होते हैं आपको क्यों पिछले पेपर देखने चाहिए रीज़न क्या है रीजनिंग ये है कि प्रीवियस पेपर्स uh, जो है वो हेल्प करते हैं आपको दे हेल्प यू इन फ्रेमिंग योर स्ट्रैटेजी आपको एक स्ट्रैटी बनाने में हेल्प करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे और उसी तरह के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये जब आप पेपर देखोगे डाउनलोड करोगे प्रिंट आउट लोगे और अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है आपको पता चलेगा कि आपको के स्टडीज नहीं पढ़नी आपको पता चलेगा कि आपको नोट्स बनाने हैं और कितना का पढ़ना है बुक्स में बहुत लेंदी दिया हुआ है कॉडलर कैलर की बुक में बहुत लंबा कंटेंट दिया हुआ है बहुत लेंदी कंटेंट है इतने कंटेंट का रिटेंशन करना भी अपने आप में बहुत मुश्किल बात है दैट इज़ वाई दिस पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट so students, my name is ramandeep singh and i've been teaching on bank exam today from last 12 years. this is my whatsapp number. link to download the, uh, the paper is available in the description. IBB says, SO marketing 2024 course, it's available on bank exam study.com. just video classes, notes, quizzes or test series provide so let me just hide my face and give you uh, the questions that were asked. so break-even point, ambush marketing, हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वैल्यू प्रोपोजिशंस वॉट एनालिसिस बी सी जी मैट्रिक्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर बहुत सारे देखिए बेसिक क्वेश्चन हैं ब्रेक इवन पॉइंट में से एक सिंपल सा नोमेरिकल आया था राइट right? सिंपल सा नोमेरिकल आया था ईजिली करा जा सकता है पहले हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं उसके बाद वापस आएंगे राइट right? सो ब्रेक इवन पॉइंट यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी इजीली लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है ब्रेक इवन पॉइंट मींस सो स्टूडेंट्स ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता राइट आपने कोई लच से आपने एक समोसे की दुकान खोली है राइट आपने बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है आई होप आप एम करके नहीं खोलेंगे एक समोसा स्टोर आपने खोला है दुकान खोली है कितने समोसे बेच के मतलब आपको ऐसे सिचुएशन में आएंगे कि आपका कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा दुकान खोली है तो आपको रेंट भी देना पड़ेगा रॉ मटेरियल भी आप ख़रीद रहे हो बिजली का बिल भी देना ही पड़ेगा राइट और बेसिक खर्चे जो हैं वो निकल रहे हैं आपके कि आपका कोई घर से पैसा नहीं जा रहा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक महीने में कितने समोसे बेचने पड़ेंगे इस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है और उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल प्राइस कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है जब आपने समोसे की दुकान अपनी खोली तो आपने बर्तन खरीदे आपने जो है रेंट पे जब कोई प्रॉपर्टी ली है तो ऑब्वियसली आपने कुछ दिया होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया उसके बाद सेल प्राइस पर यूनिट है आपका दस रुपये का आप समोसा बेच रहे हो वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए आपका तीन रुपये पर यूनिट है राइट मान लीजिए आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है आप समोसे की दुकान जो है आपकी आप वो जो लगाना चाहते थे तो उस पर आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो रहा है लेट से पचास हज़ार रुपये का आपका पचास छोटी सी दुकान है ठेला है आपका मान लीजिए पचास हज़ार रुपये तो सेल प्राइस पर यूनिट है आपका दस रुपये और लेट से आपका टोटल खर्चा जो है पाँच रुपये का आ जाता है ठीक है सो पचास हजार बाय पाँच पचास हजार बाय पाँच सो दस हजार जब आप समोसे बेचेंगे राइट तो आपका जो है ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा ठीक है तो ये फिक्स्ड कॉस्ट जो दिए हुए हैं ये वन टाइम फिक्स्ड कॉस्ट है आपका राइट सो द मोमेंट आप दस हज़ार समोसे बेच दोगे तो आपका जो है फिक्स कॉस्ट आपने कवर कर लिया ठीक है वॉट इज़ वेरिएबल कॉस्ट एक समोसा बनाने के लिए जो भी आलू या जो भी आटा वगैरह जो भी लगता है जो भी ऑयल लग रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है ठीक है सो दैट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट ठीक है सो so इसको एक ड्रामेटिक डायग्राम के फॉर्म में भी आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक है सो so ये जो लाइन जा रही है जो जीरो से स्टार्ट हो रही है दैट इज द सेल्स लाइन राइट सेल्स लाइन एंड दिस वन ये जो डॉटेड है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट चाहे आप एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करो खर्चा तो लगेगा ही सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आपने दे ही दिया दुकान स्टार्ट करने से पहले आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया पहला यूनिट बेचने से पहले एक भी समोसा बेचने से पहले आपने जो है बर्तन भी खरीदे आपने अपनी दुकान में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाया आपने जो भी है बिजली का कनेक्शन भी लिया तो वो खर्चा करना पड़ेगा राइट एंड उसके बाद जो है आपका पर यूनिट कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है रोज आप आलू खरीद रहे हो रोज़ लेबर को पे कर रहे हो तो वो खर्चे तो आपके हैं कैरेज वगैरह के ठीक है तो ये जो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था ये जो सेंटर वाला पॉइंट है दिस इज़ ब्रेक एवन पॉइंट इस सिचुएशन दस हज़ार समोसे तक जब आप पहुंचेंगे तो यू विल बी मेकिंग नो प्रॉफिट एंड नो लॉस तो ये ब्रेक इन पॉइंट का कॉन्सेप्ट है काफ़ी बार मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं ठीक है वॉट इज़ एम्बिश मार्केटिंग देखिए स्टूडेंट्स 1996 यूएस आई गेस एटलांटा में ओलंपिक्स हुए थे ओलंपिक्स हुए थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था उस टाइम पे ये हुआ था कि रिबॉक वाज द ऑफिशियल जो है स्पॉन्सर था जो ओलंपिक्स का समर ओलंपिक्स 1996 का ऑफिशियल स्पॉन्सर था रिबॉक बट एवरीवेयर जो एड्स था जो बैनर्स सब जगह नाइकी के लगे हुए थे और नाइकी ने कुछ एक जो प्रोमिनंट एथलीट थे उनको स्पॉन्सर कर दिया था तो इट वाज इन द माइंड ऑफ द जनरल पब्लिक लोगों को लगा कि शायद नाइकी ही ऑफिशियल है जबकि रिबॉक ऑफिशियल स्पॉन्सर था सो दैट इज वॉट दैट इज वॉट एम्बुश मार्केटिंग इज आप इंटेंशनली एक जो है इवेंट के साथ अपने आप को एसोसिएट कर देते हो विदाउट बाइंग द राइट्स आपने कोई राइट्स परचेज नहीं करे हैं सो एम्बुश मार्केटिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो रिलेटेड मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ने जरूरी हैं ठीक है पी एल सी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सो हर एक प्रोडक्ट जो है स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से होकर गुजरते हैं इफ यू गिव अ लुक टू लेट से एम पी थ्री प्लेयर्स एम पी थ्री प्लेयर्स आई होप मोस्ट ऑफ यू आपने कभी देखे भी नहीं होंगे राइट right? अभी तो बंद हो गए आने तो इट दे वर इंट्रोड्यूज इन आई गेस नाइनटीन नाइनटी नाइनटीन नाइनटीज़ में ये आते थे काफ़ी बड़े बड़े से आते थे एक टी वी से बड़ा एम पी थ्री प्लेयर होता था एंड इट इट यूज़ टू कॉस्ट लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लाइक आज से पच्चीस साल तीस साल पहले ये बीस बीस पच्चीस पच्चीस हज़ार के आते थे एंड उसके बाद थोड़ा सा सस्ती क्वालिटी के लोकल प्रोडक्ट्स भी इसके आने लग गए पाँच पाँच छः छः हज़ार रुपये के आने लग गए एंड एट द पीक जब एप्पल uh, ने अपने एम पी थ्री प्लेयर्स आई गैस आई पॉड्स निकाले तो छोटे छोटे एम पी थ्री प्लेयर्स आने लगे तीन तीन सौ पाँच पाँच सौ रुपए के विद हेडफोन्स एंड आफ्टर दैट अभी विद द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन स्मार्टफोन आ गए उसके बाद लोगों को अभी एम पी थ्री प्लेयर्स या म्यूजिक प्लेयर्स की ज़रूरत ही नहीं है पीपल यूज देअर स्मार्टफोन्स एंड दे कनेक्ट दअअ स्मार्टफोन्स विद द स्पीकर डायरेक्टली तो अभी मीडिया uh, प्लेयर्स या ऐसे एम थ्री प्लेयर्स या म्यूजिक प्लेयर्स का मार्केट ख़त्म हो चुका है एंड दे आर इन द डिक्लाइन ख़त्म हो गया अभी सिर्फ प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं सो दिस इज़ द डायग्राम जो यूज़ होता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ठीक है बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं एप्पल्स के प्रोडक्ट्स की वैसे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो वो कैसे लोगों तक पहुंचता है पहले इनोवेशन होती है देन डिफ्यूजन होती है सोसाइटी में लोग इसको शेयर करते हैं इस आइडियाज़ को एंड देन अडोप्शन होती है वॉट डू वट यू थिंक अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज ऑफ द मोमेंट इनोवेशन देखिए हो चुकी है उसकी बहुत सारे लोग उसको ऑलरेडी जो है यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे लोग जो है उसको यूज़ कर रहे हैं ठीक है बट द फैक्ट इज कि आज से पाँच साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल उतना यूज नहीं होता था ठीक है बट राइट नाउ बहुत सारे इनो जो इनोवेटिव माइंड वाले लोग हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं दे आर यूजिंग द टू व्हीलर एंड द फोर व्हीलर्स एंड इन द फ्यूचर में भी और लोग इसको अडॉप्ट करेंगे अगर पेट्रोल लत uh, से डेढ़ सौ रुपये लीटर हो जाता है कल को तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे जैसे जैसे पेट्रोल महंगा होगा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर उतनी महंगी हो नहीं सकती क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप घर पे सोलर पैनल लगा के अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर सकते हो आप घर पे बैठ के अपना पेट्रोल नहीं निकाल सकते राइट सो दैट इज अ फैक्ट लॉ ऑफ डिमांड में से सिंपल से क्वेश्चन थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सो बेसिक क्वेश्चन पहला ही चैप्टर रहता है कोर्स में जरूर पढ़े आप ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्कुल बेसिक राय right? सो स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ वीकनेस वीकनेसेस ऑपरचुनिटीज थ्रेट बेसिक क्वेश्चन आया था ये हमने शेयर करा है बी सी जी मैट्रिक्स ये फ, आप चार्ट ज़रूर याद कर लें मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक सिंपल सा प्रोडक्ट दिया होता है एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई विच वन इज़ डॉग विच वन इज क्वेश्चन मार्क विच वन इज़ कैश काओ विच वन इज़ आर स्टार सो ये बेसिक है uh, इस मैट्रिक्स में वाई एक्सिस में मार्केट ग्रोथ है एक्स एक्सिस में मार्केट शेयर है ठीक है सो so, आइडेंटिफाई करना होता है सिंपल क्वेश्चन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैं ऑलरेडी टोल्ड यू टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरी ईजी क्वेश्चन एंड देन मोटिवेशन थियोरीज वे आर वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट स्टूडेंट्स बिहेवियरिज्म कॉग्रेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमनिज्म एंड कनेक्टिविज्म तो ये डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में लेटेंट डिमांड ऐसी डिमांड जो कभी पूरी नहीं हुई राइट या तो आपके पास पैसे नहीं थे या प्रोडक्ट नहीं था या फिर आप अवेयर ही नहीं थे तो तीन रीजन हो सकते हैं किसी डिमांड के ना पूरी होने के राइट अम्ब्रेला ब्रांडिंग दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल डव ब्रांड है उसके साबुन शैम्पू बहुत कुछ आता है राइट सो डव को प्रमोट किया जा रहा है एंड बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं साबुन शैम्पू कंडीशनर्स बॉडी वॉश सब कुछ आता है इसका राइट तो क्रीम वगैरह भी आती होगी तो वो सारा जो है एक ही ब्रांड के अंडर आ रहा है दैट इज़ नोन एज अम्ब्रेला मार्केट अम्ब्रेला मार्केटिंग सो पी एल सी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू एम इन हर ऑफ़ नीड्स मैसलोज हर ऑफ़ नीड एम का क्या मतलब है एम मीनस मैसलो सो जो हमारी नीड्स हैं राइट पहले आपको सेफ्टी uh, आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं आपकी राइट right? आपको फूड चाहिए शेल्टर चाहिए फिर आपको सेफ्टी <coughs> चाहिए लव एंड बिलोंगिंगनेस आपको चाहिए स्टीम नीड्स हैं आपकी कोगनेटिव नीड्स हैं इसमें कुछ एक, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है स्टीम नीड्स के बाद आपकी सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड्स हैं राइट सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स दिस इज अ गुड एग्जांपल, जैसे पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट होता है राइट आ, आपका गुटके का एडवर्टाइजमेंट होता है टोबैको का एडवर्टाइजमेंट होता है वो अलाउड नहीं है हेवर्ड फाइव थाउजेंड का एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है बट कंपनीज जो है वो सरोगेट एडवर्टाइजिंग करती है वो सोडा का एडवर्टाइजमेंट कर रही है सोडा में से कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं बट स्टिल दे आर प्रमोटिंग हेवर्ड फाइव थाउजेंड ब्रांड एंड दे आर यूजिंग द सेम लेबल इन द बियर राइट सो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए थे राइट right? सो so, जो हमने आज प्रोवाइड कर दिए हैं जस्ट गो थ्रू दन दिल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम So, students link to download the PDF is available in the description. Please check. And IBPSSO Marketing 2024 course, it's available on bankexamstudy.com in which we are providing video classes, notes, quizzes, test series, live sessions, weekly quizzes, and interview preparation course. Right? List of our successful students in the past. All these students they took our courses in the past and they cracked their respective exams. And I'm really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, Please ask your doubts, and I am going to answer your doubts. So that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.